हेलो दिस इज सुमित कुमार आज के वीडियो में बातचीत करूंगा कुफ आन एंड टोपोलॉजी के बारे में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑलमोस्ट जो भी आप इस बार गेट का एग्जाम देने चाह रहे हो या कहीं भी इस टाइप के एग्जाम दो के नेट के हो एन बीचम के हो या टी एफ आर को भी नोशन में अगर पकड़ा जाए तो ये सारी चीजें बहुत ही हेल्प होंगी टू अंडरस्टैंड इट है ना तो बहुत ही बेसिक तरीके से मैं इंट्रोड्यूस करूंगा कि क्या है नहीं है और इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं पहली बात की कैसे इसको हम लोग तो चलो कोफाइनाइट पे आते हैं यहाँ पे हम लोग सो व्हाट इज द कोफाइनाइट टोपोलॉजी है ना ये कोफाइनाइट है क्या व्हाट डू यू मीन बाय दिस कोफाइनाइटनेस कोफाइनाइट टोपोलॉजी राइट तो जैसा नाम ही बता रहा है ना तो कोफाइनाइट दो चीजों से एक मिलके बना है कॉम्प्लीमेंट और एक फराइट ओके सो अब इसको थोड़ा समझते हैं मतलब को फाइनाइट है है तो एक्चुअली जो तो जो इसका रीजनिंग रीजनिंग इसके पीछे का से, तो उस को एक में, एक जब आप फाइनाइट सेट, से, सेट, से सेट के जाते हैं और उसमें डिफरेंट डिफरेंट टॉपोलॉजी आते जाते हैं तो उसमें एक आप चाहते हो कि जो एक फाइनाइटली तरीके से बिहेव करे एक ऐसा सेट आप खोजते हो कि ठीक है ये ओपन तो है बट इसका कॉम्प्लीमेंट मेरे को फाइनाइट चाहिए तो इस टाइप की चीजों को जनरलाइज किया गया और वो देखा गया कि यार ये तो एक टॉपोलॉजी फॉर्म कर रहा है टॉपोलॉजी एक आ, आ, मतलब ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जहां पे ज्योमेट्रिकल चीजें और बहुत सारी चीजों को स्टडी किया जाता है मोर रिग्रेस वे से उसका एक डेफिनेशन का पार्ट है एक प्रकार का एक टॉपोलॉजी है जिसको हम लोग को फोनाइटोपोलॉजी बोलते हैं तो को दो वर्डो से को फानेटनेस दो वर्ड बना है

इसको अदर वे में मैथमेटिक्स के वर्ल्ड में बोला जाता है ऑलमोस्ट लाइक इनफाइट हो सकता है कि उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स ना हो लेकिन इनफाइट है मतलब जो आपके सेट्स की कार्डिनलिटी है एक्स की वही ऑलमोस्ट ओपन सेट्स भी बिहेव कुछ वैसा ही कर रहे हैं तो कोफाइटनेस तो यहाँ पे डेफिनेशन जो है तो डेफिनेशन कोफाइट टॉपोलॉजी क्या दिया गया ठीक है अगर कोई सेट है तो इसको मैं बोल रहा हूँ ओपन या अगर ये या, ऑफकोर्स अगर एम टी सेट और होल सेट है तब तो ठीक है नहीं तो इसकी जो कॉम्प्लीमेंट है ए कॉम्प्लीमेंट ये आप उन लोग को फाइनाइट चाहिए मतलब अगर एक्स मेरा इनफाइनाइट सेट है तो ए कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट चाहिए मतलब ए के पास इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स इन्फिनाइटली मतलब ए के पास एक्स के सारे एलिमेंट है ऑल बट फाइनाइटली कुछ फाइनेटली एलिमेंट्स को छोड़ के सारे के सारे आपके पास है तो कुछ नोशंस सीक्वेंस का क्लियर हो रहा है पे भी आपको फिल होनी चाहिए तो ये पार्ट आ जाता है इंटरेस्टिंग चीजें निकल के आती है बहुत इंटरेस्टिंग चीजें निकल के आती है ठीक है ना जैसे कि आप जाओगे जैसे कि एक्स आपका फाइनाइट सेट है जैसे कि फाइनाइट सेट आपने लिया कोई भी आपने फाइनाइट सेट ले लिया लेट से ए बी दो एलिमेंट तो यहाँ पे जो भी टॉपोलॉजी दोगे वो मतलब आप जो भी टोपोलॉजी यहाँ पे आप डिफाइन कर रहे हो जो भी चीजें आपकी चल रही हैं, तो उसके कॉम्प्लीमेंट में फाइनेटली मेनी मेंबर होंगे ठीक है तो उस चीज की चीजों को जनरलाइज किया जा रहा है एक एक जनरल सेंस में लिखा जा रहा है कि यार कुछ चीजें मेरे को दिख रही हैं, जहां पर चीजें लगे तो हाँ एक आंसर आपको मिल रहा है।, तो है अब इसके बहुत सारे गुण हैं जैसे कि कोई भी आप इन्फ्राइट सेट लेते हो एक्स को इनफाइट सेट है वहां अगर आप को टॉपोलॉजी डाल तो पहली बात ये टॉपोलॉजी फॉर्म करता है इसको देखना इसका डेफिनेशन क्या है टॉपलॉजी का उस उसपे जाना अब कोई आपके पास सेट कोई इनफाइनाइट है और अब यहाँ पे नोशन आ रहा है कि ओपन सेट क्या है कि भैया इसके पास एक्स के सारे एलिमेंट है ऑल बर्ड फाइनेटलीटली मेनी एलिमेंट ही बाहर में तो इस टाइप की चीजें आप सीक्वेंस से रिलेटेड अगर जाओगे कोई सेट है इनफाइनाइट है वहां पे एक सीक्वेंस लेते हो जिसके सारे टर्म डिस्टिंक्ट है तो क्या वो कहीं पे कन्वर्ज करना है कन्वर्ट कर रहे हैं क्या उसका लिमिट यूनिक है या क्या है नहीं है इस चीज को आप इस टॉपोलॉजी के साथ बहुत अच्छे से समझ सकते हो इसीलिए आज मैंने ये शॉर्ट वीडियो रखा है अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो फिर से बताऊंगा तो आप बताना अगर आप इसको इसमें इंटरेस्ट जग रहा है तो ओके ठीक है तो मैं यहीं पर अभी स्टॉप कर रहा हूँ समय की कमी वजह से आगे फिर मैं